सबसे पहले सवाल ये, जब यूपीआई था तो यूपीआई लाइट को निकालने की क्या आवश्यकता था? अगर आपको 200 से ऊपर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप यूपीआई का सहारा ले सकते हैं, अगर आपको 200 से नीचे ट्रांजैक्शन करना है तो आप यूपीआई लाइट का यूज कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, फिर से हम आ गए हैं स्वागत करने के लिए एक नए अपडेट के साथ। एनपीसीआई ने एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट दिया है कि अब जो है यूपीआई लाइट भी यूज कर सकते हैं। यूपीआई लाइट क्या है और कैसे हम यूज करेंगे, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले समझिए, जब यूपीआई था तो यूपीआई लाइट को निकालने की क्या आवश्यकता था? तो यूपीआई सारे तो सब लोग जानते हैं कि बड़े बड़े ट्रांजैक्शन के लिए और छोटे ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यूपीआई लाइट जो है आप छोटे ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है, उसमें बताया गया है कि 75% ऐसे लोग हैं जो कि 100 रुपया ट्रांसफ़र करते हैं यूपीआई से, और 50% लोग ऐसे हैं जो है यूपीआई से ट्रांसफ़र करते हैं 200 रुपया। तो यानी कि यूपीआई लाइट में ये ध्यान में रख के बनाया गया है कि आप छोटे छोटे ट्रांजेक्शन जैसे 100, 50, 150, 200 तक आप जो है यूपीआई लाइट में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी ओटीपी, कोई भी पासवर्ड, कोई भी पिन बनाने की आवश्यकता नहीं है। विदाउट इंटरनेट, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। हालांकि ये निर्णय कैसे लिया गया, जैसे कहा गया कि यहाँ पे स्टेटमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है निकालने में, और बैंक भी रिकॉर्ड रखने में असमर्थ है, तो यहाँ पर यूपीआई लाइट का यूज किया गया है। तो यूपीआई लाइट की किस तरह से आप यूज करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपीआई लाइट में आप छोटे छोटे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 200 रुपया ही आप अधिकतम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूपीआई लाइट के माध्यम से आप 200 रुपया ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को भी। एक बार में 100 रुपया कर सकते हैं, 50 रुपया, लेकिन अधिकतम आप 200 रुपया ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है यूपीआई लाइट वॉलेट में मनी अधिकतम 2000 ही रुपया मनी ऐड करके रख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप 2000 रुपया मनी ऐड करके रख सकते हैं तो उसी से आप जितने भी छोटे छोटे ट्रांजैक्शन है जैसे 200, 150, अगर आपको 200 से ऊपर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप यूपीआई का सहारा ले सकते हैं, अगर आपको 200 से नीचे ट्रांजैक्शन करना है तो आप यूपीआई लाइट का यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज भी देना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। जितने भी यूपीआई ऐप्स है जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इनमें सारे ये ऑप्शन आपको फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक ये बात है, यूपीआई लाइट कभी भी आप बंद कर सकते हैं, कभी भी क्लोज कर सकते हैं, और जो आपका पैसा वो आप अपने यूपीआई के माध्यम से बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बेनिफिट है। जैसे कि आप जो है यूपीआई लाइट वॉलेट में 2000 नहीं तो 1000 रुपया ऐड करना चाहते हैं तो आप अधिकतम 2000 रुपये ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐड करना है तब आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि तब आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। आप यूपीआई से यूपीआई लाइट वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब आपका एक बार मनी ऐड हो जाता है यूपीआई लाइट में तो आप जो है छोटे छोटे ट्रांजैक्शन ऑफलाइन बेस्ट आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक आपको बेनिफिट मिल जाता है, कब कितना कितने समय में आपको पैसा भेजा है, सारा का सारा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, सारा हिस्ट्री दिखाया जाएगा, किस दिन को कितने बजे कितना रुपया आप भेजे हैं यूपीआई लाइट से, सारा कुछ यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिखाया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूँ, ये जो है यूपीआई लाइट सर्विस अभी तक किसी भी एप्लीकेशन में लाइव नहीं हुआ है, लेकिन ये अपडेट आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एनपीसीआई के वेबसाइट पे ये यहाँ पे एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस मिलने वाला है जिसका नाम है यूपीआई लाइट। तो आप छोटे छोटे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, ये कभी भी ये आपको फीचर दिया जा सकता है। तो जैसे ही कोई भी एप्लीकेशन में यूपीआई लाइट वाला सर्विस आ जाता है तो मैं आपको तुरंत ही इसी चैनल के माध्यम से ये आपको हम जानकारी दे देंगे क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप मनी ऐड करेंगे। तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी को नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।